भैया हम भले ही अंदर गिर जाएं, सामान मत गिराना बस। अरे वाह, गई गई मेरी गोदी, गई टूट गई। क्या लगाया कान भाई, बीड़ी लगाई? फूल लगाया। तो चलो जी, हमारी शिकारा राइड हो चुकी है चालू, और मैडम देखो कहाँ जाके बैठ गई हैं। शहीद जगह प्लीज बीच में बैठो। तो चल पड़ी है हमारी शिकारा यहाँ से हमें हमारे हाउस बोट तक ले जाने के लिए, और ये निगील लेके नजारा आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। आज है 9 फरवरी और हम लोग पहुँच गए हैं श्रीनगर में निगील लेक में अपनी बोट राइड पे। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और आगे दिखाते हैं आपको कि हमारा बोट हाउस का एक्सपीरियंस कैसा है। ये भैया आगे लेने। भैया हम भले ही अंदर गिर जाएं, सामान मत गिराना बस। अरे भैया, चलो मैडम डरो मत, चलो चलो, वेरी नाइस। वो भी मैं भैया को पकड़ा देना, रुक जाओ। जय बात, चलो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये रिसेप्शन है भैया आपका? क्या बात है, ड्राइंग रूम है। हाँ जी, ये आ गया डाइनिंग टेबल। वाह, अरे वाह, क्या बात है, ये आ गई हम अपने रूम में। देखो रूम का साइज चेक करो। अच्छा, यहाँ से वॉशरूम है? वॉशरूम। ओए होए, ये देखो जी, इसके पीछे कुछ नहीं है जी। सेठानी जी बैठो, दो चार कवालियां हो जाए यहाँ बैठ के। ऊपर डाइनिंग भी है। अब ये देखो हमारे साथ वाली बोट है। डिनर होगा। अच्छा, ऊपर यहाँ पे आई थिंक डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए। वाह। हाँ जी भैया, बताओ इसके बारे में, आपके हाउस बोट के बारे में। इस हाउस बोट में आपको रहेगा दो रूम, ये डाइनिंग एरिया रहेगा आपको, और ऊपर टेरेस भी है, ऊपर भी जा सकते हो, और यहाँ पे जो भी चीज मिलेगा आपको यही पे मिलेगा सर, खाना वाना सभी मिलेगा। हाँ, यहीं पे। भाई यहाँ से व्यू सामने सीधा माउंटेन्स का है बिल्कुल। भैया चाय तो मतलब क्या पूछ लिया आपने, भैया चाय पिला दो फटाफट से। चाय पिलाओ, अच्छे से बुलाओ पहले। अच्छे से बोला जी जी, मैं बेटी चाय पीऊंगा। हाँ हट। मेरे को अभी अभी बिल्कुल याद दिलाया कि वो इश्क का नंगा नाच जो है ना वैलेंटाइन वाला, वो शुरू हो गया है, और ये मेरे से मांग रही थी कुछ 14 फरवरी पे। मैं साफ साफ बता दूं, वैलेंटाइन आएगा और वैलेंटाइन चला जाए, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदले। यही होता है बस, शादी होने के बाद, शादी होने से पहले ये कर दूं मैं, हाँ वो कर दूं, ऐसे कर ले प्लान, ऐसे कर ले, कैसे कर ले, रियलिटी सब सामने आ गई है। तो पिछले साल मैंने पूछा था मैं यहाँ से जनवरी में कि मैं हाँ 14 फरवरी का क्या प्लान है, ऐसी कैजुअली पूछा था। कह रही मैं सोच रही रोका कर लेते हैं। अभी हमारी सेवा में जो सबसे पहली चीज आई है वो आ गई है चाय। चलिए जी चाय बनाइए, आप बनाओ। भाई गई गई मेरी गोदी, गई टूट गई। आप बनाओ, मैं पीऊंगी। चलो कुछ काम खुद भी कर लिया। लोग सही कहते हैं, इश्क में बहुत दर्द है। हाँ मैं ये सब करने आई हूँ, चलो शुरू हो जाओ। थोड़ा सा और वहां सामने जाके नाच ले, मैं भी नाची। आप तू दे, जाओ नाच के दिखाओ, नाचो। अब चाय बनाओ। चलो अभी 9 बज चुकी हैं। क्या क्या चल रही है? अच्छा वो पहाड़ है ना, वो पहाड़ है ना वो लोग। तो मैं ये बता रहा था कि 9 बज चुके हैं और अब हो चुका है हमारे खाने का टाइम। आके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, अभी हम लोग मूवी देख रहे थे और कुछ खा भी रहे थे अपने स्नैक्स वगैरह। अब हम उस डिनर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आए थे हम बाहर आपको दिखाने के लिए कि इस टाइम पे देखो कैसा माहौल है बाहर। ये इस तरफ हमारे साथ वाली बोट है। हाँ, ये 2 डिग्री चल रहा है ना टेम्परेचर, और ये कुछ ऐसा माहौल है। वो सामने भी हाउस बोट है वैसे ना,
टेरेस पे हम अभी तक गए नहीं, वो सुबह ही जाएंगे, आके तो हमारी हिम्मत नहीं हुई जाने की, बट जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखो 30 का टेम्परेचर सेट करा हुआ है और अच्छी खासी गर्म हवा छोड़ रहा है भाई, बहुत जरूरत है, अंदर ठंड बहुत है यहाँ पे ना। ये लाउंज एरिया है इनका, जहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है और ये सब सोफे वगैरह भी लगे हुए हैं बैठने के लिए। हैं वैसे हम दोनों ही हैं यहाँ पे और एक और है शायद, आई डोंट नो उस रूम में कौन है। अच्छा कपल है, मैंने देखा नहीं। तो बस ये सब है, देखो कितनी अच्छी, छोटा सा फ्रिज भी है वहाँ पे और ये डाइनिंग टेबल क्रॉकरी सेट वहाँ पे दे रखा है, बढ़िया है वैसे, है ना, ओवरऑल इट्स वेरी गुड। हाँ जी क्या लाए हैं आदिल जी हमारे लिए? अच्छा आलू कैप्सिकम नो, ये रोटी, ये अपनी दाल, वेरी नाइस, घर जैसे ही खाना लग रहा है, चावल राइस, पनीर, मटर पनीर। हाँ जी सर, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग सनराइज़ देखने आए थे। वैसे तो सनराइज़ 7:21 का था, बट आई थिंक यहाँ पे बिकॉज ऑफ माउंटेन्स वो थोड़ा सा लेट होगा। श्रीनगर में मे बी जो मेन सिटी है वहाँ पे अभी तक सनराइज़ हो चुका होगा, बट कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, एक बार देखो ज़रा लैंडस्केप पूरा, बिल्कुल जो वाल पेपर नहीं लगाते हम लोग अपने फ़ोन में अपने कंप्यूटर्स में, वैसा नज़ारा है एकदम। क्या लगाया कान भाई, बीड़ी लगाई? तो भाई सनराइज हो चुका है, हमने नहा धो लिया, ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया था, अब मैं को थोड़ी सी फोटोग्राफी करानी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा करानी है, बीड़ी उतर गई। हाँ ऐसे पीछे रोमांटिक से गाना चलाऊंगा स्लो मोशन। अरे फूल मत उड़ा यार, सारा मूड ही खराब कर दिया। यहाँ पे मूंगफली रेवड़ी गज्जक भी फिलहाल साथ में, वो हमें बेचने जो आ रहे हैं ना, हम उनको बेच दें। तो भाई हम लोगों को टेरेस दिखाना तो भूल ही गए। डेक बोलते हैं। मैं पढ़ो। आओ डेक दिखाएं आप लोगों को, ये देखो, अरे वाह, ये तो अच्छा है यार, यहाँ बैठ के सुबह चाय पीनी चाहिए थी। अच्छा यहाँ पे टैंक, वाटर टैंक वगैरह कुछ लगा हुआ है यहाँ पे तो ऐसा है, और पीछे देखो गार्डन भी है घूमने के लिए। भैया बता रहे थे कि किसी किसी को मॉर्निंग वॉक करनी होती है तो उसके लिए भी आ सकते हैं, बट ये बहुत अच्छी एक पार्टी प्लेस है। और ये जो हमारी बोट है ना, ये 2 BHK है, एज इन की 2 यहाँ पे कमरे हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो 4 जने 5 जने तो यहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हो, और ऊपर फर्स्ट क्लास पार्टी भी हो सकती है, बट यहाँ पे बॉन फायर नहीं कर सकते क्योंकि सारा लकड़ी का है ना कम। कल जब हम लोग आए थे ना इस बोट पे, हम लोगों ने वहाँ पे हमें गाड़ी ने ड्रॉप करा था, और वहाँ से ये सीधा बोट हमें एक लेके आई, फेरी थी वो लेके आई यहाँ तक। और जिस हाउस बोट पे हम रुके हैं उनकी एक ये है, एक साथ वाली है और उसके साथ वाली भी है, और इनका एक अपना रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे शामियाना नाम से। तो अगर आप जैसे फैमिली के साथ आते हो, काफ़ी सारे जने 10-20 जने, तो वहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब वहाँ पे अरेंज हो जाता है। तो मैं एक बात बता दूं कि हाउस बोट जो है वो डल लेक पे भी अवेलेबल है और निगीन लेक पे भी है, लेकिन डल लेक पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और वहाँ लग्जरी नहीं है। यहाँ पे निगीन लेक पे जो इतनी भी हाउस बोट्स हैं वो सारी लग्जरी हैं और रेट भी इनके अच्छे खासे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्राउड नहीं होता। यहाँ पे सामने आपको दिखते हैं पहाड़, ये देखो पूरी माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे दिखती है, और सुबह सुबह का तो व्यू आपने देखा ही था कितना ज़बरदस्त लग रहा था। और अभी जो मैंने ब्लॉग अपलोड करा उस पर किसी का कमेंट आया था कि आपने पहलगाम में कोई वैली नहीं गए, बेताब वैली, आरू वैली नहीं गए। एक्चुअली हुआ ये सीन कि जो हमारा कैब ड्राइवर था उसने हमें बताया कि चंदनवाड़ी और आरू, मेरे ख्याल ये दोनों बंद थी बिकॉज ऑफ स्नो, ये बंद हो गई थी। अब वही है ना, ये सीजन में शायद वो बंद हो जाती होंगी, हमें पता नहीं था। और बेताब वैली टाइम भी नहीं था ना, टाइम तो हम चलो कर लेते मैनेज, लेकिन जब उन्होंने हमें बताया कि बेताब वैली में भी इस टाइम पे सारी ग्रास ना वो जली हुई होती है, जो ग्रीन ग्रास होती है ना वो अवेलेबल नहीं थी, फिर हमने सोचा यार इस टाइम पे हम वहाँ जाएंगे और अगर ऐसा दिखा कि मतलब अच्छा नहीं दिखा, दिखाने लायक नहीं दिखा, तो कोई फायदा नहीं, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो हमने वो टाइम अपना यूटिलाइज कर लिया रील्स बनाने में, जो आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो मैं इंस्टाग्राम डाल रहा हूँ, जाके देख लेना। और रील्स बनाई, फोटोज क्लिक करी, बस यही करा, फिर उसके बाद हम सीधा यहीं आ गए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने अपना जो पूरा ट्रिप प्लान करा था वो हमने करवाया था ग्रू कश्मीर से, एंड रिमशा फ्रॉम ग्रू कश्मीर, रिमशा थैंक यू सो मच फॉर प्लानिंग दिस ट्रिप। और काफी लोग हमसे जैसे कमेंट्स में पूछ भी रहे हैं कि कैसे ट्रिप प्लान करना, तो आप थोड़ा सा कुछ उनको आइडिया दे दो। दे कैन कॉन्टैक्ट अस, आप उनको सारी डिटेल्स अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, सो दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल प्रोवाइड देम बेस्ट पैकेज टू ट्रैवल विद अस। बस तो मैंने सारी इनकी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी हैं, और बारी बारी मैं ब्लॉग में बता भी रहा हूँ, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, और फोन नंबर भी हैं जी, बिल्कुल वहाँ पे भी। थैंक यू जी, मिलते हैं।
दोबारा कभी खुदमत का मौका दीजिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे, अगली बार फैमिली के साथ आएंगे। चलिए जरूर। हाँ वो सस्ते को छुट्टियाँ नहीं मिली और फिर अभी मौसम भी ज्यादा ठंडा है, मेरे को लगा थोड़ा गर्मी हो जाए ना फिर आएंगे मम्मी के लेंगे। चलो जी बाय बाय। तो चलो जी हमारी शिकारा राइड हो चुकी है चालू और मैडम देखो कहाँ जाके बैठ गई हैं, वहाँ के बैठे हो नज़ारे देखने के लिए ना, आपको तो मैं नज़ारा दिख रहा हूँ फिर। चलो भाई शिकारा राइड हमारी होने को आई ख़त्म और वीडियो कॉल चल रही है सबकी, सबको एक एक करके वीडियो कॉल करके हमने दिखा दी घर में और बस अब यहाँ पे हमारी लगी है, आगे हमारी गाड़ी आई हुई है वेट कर रही है, बस उतरेंगे सामान उतारेंगे और चलेंगे सीधा। तो अपनी शिकारा राइड खत्म करने के बाद हम लोग गए छेवी पातशाही गुरुद्वारा जो कि एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है श्रीनगर में एंड इट इज रिलेटेड टू सिक्स गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। दिल्ली तो आए हैं जी, हाँ जी दिल्ली तो। वैसे तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे पर यहाँ पे एक बड़ा फेमस सा कैफ़े है, कैफ़े लिबर्टी, यहीं पे हम अपना लंच करेंगे और यहाँ से फटाफट निकलेंगे एयरपोर्ट। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 आई थिंक बज गए और 7:45 की हमारी फ्लाइट है, तो बस यहाँ से खा के फटाफट निकलते हैं। वाह क्या बात है, ओ मेरा लड्डा यहाँ खड़ा है, आओ मियाँ इस पर बैठ के फ़ोटो तो हो जाए, चला लेता लेकिन थर्ड फ्लोर से नीचे कौन लेके जाएगा, छोड़ो यार। चलो चलो अंदर, भूख लग रही है। अरे अंदर एक और खड़ा, वाह सो मच इंस्टाग्रामेबल, देख ले यहाँ भी एक लड्डा खड़ा है। चलो जी भैया को भी अनीस भैया को भी अलविदा करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है? चलो बिल्कुल बिल्कुल पक्का आएंगे। चलो जी पहुंच गए घरे जी, कैसा फीलिंग आ रही है? बस बहुत बढ़िया। अब ये वेली फीलिंग तो कुछ सरदार जो लड़के हैं ना वही समझ सकते हैं, पगड़ी ABCD बांधी थी XYZ हो गई है। चलो जी पहुंच गए हम लोग घर फाइनली, और बहुत छोटी सी फ्लाइट थी हमारी, बिल्कुल टाइम पे फ्लाइट थी। एयरपोर्ट में मैंने इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि श्रीनगर के एयरपोर्ट पे शूट करना मना है, इसलिए मैं शूट नहीं करा, हम सीधा घर आए, बहुत काफ़ी सारी चेकिंग करवाई वहाँ पे, उसके बाद घर आए, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आया, ट्रिप हमारी बहुत अच्छी निकली। आई होप आपको भी ये हमारे ब्लॉग्स देख के मज़ा आया होगा हमारी कश्मीर ट्रिप और आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको भी ऐसी कोई ट्रिप बुक करनी है तो आप भी बुक कर सकते हो ग्रू कश्मीर से, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके उनको कॉन्टैक्ट करो और अपनी भी ट्रिप जो है वो बना सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले ब्लॉग के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, वेरी सून।